और यहां वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, ये दिखाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड की राजनीतिक चहल पहल की। इन दिनों निकाय चुनाव की आहट होने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस चुनाव में चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अंतर्कलह भी उजागर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने प्रदेश प्रभारी को हजम नहीं कर पा रहे हैं और उनको हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। लिहाजा हाईकमान ने केंद्र से पीएल पूनिया को उत्तराखंड में भेजा है, जिससे निकाय चुनाव में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, पार्टी एकजुट होकर के निकाय चुनाव में फतह हासिल करे। क्या है सियासी गणित, देखिए खास रिपोर्ट में। इसी कड़ी में एक और जहां बीजेपी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी है, तो वहीं मुख्यमंत्री के सांसदों के साथ बैठक भी हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने ही झगड़ों में उलझी हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता अपने ही प्रभारी देवेंद्र यादव को हटाए जाने की हाईकमान से मांग कर रहे हैं। हाईकमान ने पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजा है। पीएल पूनिया 3 दिनों से नाराज नेताओं को बंद कमरे में मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने बाहर आकर मीडिया के सामने अपने ही प्रभारी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उन्होंने पर्यवेक्षक से कहा है कि प्रभारी को पार्टी नहीं बनना चाहिए था, फिर प्रभारी खुद ही टिकट बांट रहे थे और अब हार के बाद खुद ही समीक्षा भी कर रहे हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष बदले गए हैं तो फिर प्रभारी क्यों नहीं बदले गए? वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के बुलावे से नाराज हैं। हमने तो इसलिए कहा कि प्रभारी को पार्टी नहीं बनना चाहिए, प्रभारी को हटाने की बात हमने इसलिए कही। भाई वही प्रभारी टिकट बांटते हैं और वही प्रभारी समीक्षा करने आते हैं। आप बताइए कि आपके पास लोग नहीं है जो टिकट भी वो बांटेंगे, समीक्षा भी वो करेंगे और फिर रिपोर्ट भी एक साथ वो देंगे। इसलिए हम तो साफ कह रहे थे कि प्रभारी को हटाना चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस में चाहे कोई भी पर्यवेक्षक उनका आ जाए, उनके राहुल गांधी आ जाएं, सोनिया गांधी आ जाएं, जिस प्रकार से कांग्रेस में कई सालों से चाहे राज्य स्तर पर से लेकर के अब तक जो भी चल रहा है वो सबको मालूम है। उत्तराखंड की जनता अच्छे तरह से मालूम है कांग्रेस जब सरकार में रहती है तब भी उनके क्या हाल थे और जब वो विपक्ष में है तब भी उनके क्या हाल हैं सब देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी इस समय विपक्ष में जनता के मांग को उठाने की है उसको न उठा करके वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के व्यापारिक संबंधों को उजागर करने के बाद जैसा उम्मीद की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ किसी का बोलना बर्दाश्त नहीं करते, तो इसी बात को आज उन्होंने चरितार्थ करने का काम किया, सीबीआई पर दबाव बनाया और अरविंद केजरीवाल जी को बिना किसी कारण के सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया है। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा के लिए और भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ खड़ा है, संघर्ष कर रहा है, धरने प्रदर्शन में है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में नवंबर 2023 को नगर निकाय का चुनाव संभावित है। 2 दिसंबर को नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नगर निकाय 2018 की बात करें तो उत्तराखंड में हुए नगर निकाय में चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की 7 मेयर की सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की।
जबकि कोटद्वार और हरिद्वार में कांग्रेस की जीत हुई थी। वही 2013 के निकाय चुनाव में कांग्रेस को एक भी मेयर और चेयरमैन की सीट नहीं मिली थी। वही भाजपा इस साल भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार के भी चुनाव में परचम भाजपा का ही लहराएगा। वही कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। देखिए, केजरीवाल खुद अपने कारनामों से फंसे हुए हैं, अपने हरकतों से फंसे हुए हैं, अपने बड़बोलेपन से फंसे हुए हैं। जहाँ तक कांग्रेस के युवराज का प्रश्न है, नेता का प्रश्न है राहुल गांधी जी का, वो भी अपने बड़बोलेपन से, अपने हरकतों से वो भी फंसे हुए हैं। इसमें इनको फंसाने का किसी का योगदान नहीं है, ये स्वयं अपने ही क्रियाकलापों से फंस रहे हैं और फिर दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। 2024 के लिए यही लोग कवायद शुरू कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कितना इकट्ठा रहेंगे, कितना आगे चल पाएंगे तो भविष्य बताएगा। भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए एक आइडियल पार्टी बन गई है। साहब भीमराव अंबेडकर की कलम में इतनी ताकत है, हमारे तमाम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो विरासत है वो इतनी मजबूत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के सरदार पटेल से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के मौलाना आज़ाद से लेकर के हमारे देश के तमाम वो शहीद भगत सिंह जी, अशफाक उल्ला जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए शहादत दी, उनकी विरासत इतनी मजबूत है कि ये अंग्रेजों के पिट्ठू जो स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, मुखबरी कर रहे थे, उनको वो विरासत कभी जीतने नहीं देगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। सीएम धामी के लिए ये सेमीफाइनल जीतना बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस निकाय और लोकसभा चुनाव को फतह कर पाएगी? क्या कांग्रेस के नेता अपने ही झगड़ों में उलझे रहेंगे? क्या भाजपा एक बार फिर लोकसभा की पांचों और निकाय की सभी सीटों को जीतने वाली है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट।